वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सीक्वेंस गेम के रूल्स। तो फ्रेंड्स, कंटेंट्स में हमारे पास क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है गेम बोर्ड होता है खेलने का, इसके अलावा होते हैं दो सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास कंटेंट्स में होते हैं अलग अलग कलर के चिप्स, 50 ब्लू चिप्स, 50 ग्रीन चिप्स और 35 रेड चिप्स। तो फ्रेंड्स, अब इसका जो बोर्ड होता है गेम बोर्ड, पहले हम इसको समझते हैं क्या होता है। तो इसको पहले हमने खोल लिया, अब इस पर आप देखोगे तो सारे तरह के पत्ते बने हुए हैं, ताश के पत्ते, तो 21 से लेके बादशाह तक सारे पत्ते हैं और इसमें हर पत्ते दो दो हैं। किसको छोड़ के? गुलाम को छोड़ के। अब पूरे बोर्ड पे देखें कहीं भी गुलाम का एक भी पत्ता नहीं बना है। अब वो क्यों नहीं बना है वो भी हम समझेंगे आगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे लिखा देखिए, टू आइस जैक्स आर वाइल्ड और एक तरफ लिखा है वन आई जैक्स रिमूव। अब टू आई जैक्स और वन आई जैक का क्या मतलब होता है वो भी हम समझेंगे। और फ्रेंड्स इसके अलावा बोर्ड के फ्रेंड्स आप कॉर्नर्स देखेंगे ना, तो हर कॉर्नर पे इस तरह से एक चिप बना हुआ है, इस तरीके से हर कॉर्नर पे एक चिप बना हुआ है। फ्रेंड्स इस गेम में कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, देखिए इसमें 2 से लेके 12 प्लेयर्स तक इस गेम को खेल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उनको 2 या 3 टीम में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे कि 2 प्लेयर हैं या 3 प्लेयर हैं वो तो सिंगल सिंगल खेल सकते हैं, लेकिन अगर 4 हैं 6 हैं 8 9 10 12 प्लेयर्स हैं तो उनको आप टीम बना के ही आपको खेलना है, 2 टीम में या फिर 3 टीम में। अब सपोज 5 प्लेयर्स हैं, 5 बंदे इकट्ठे हुए खेलने वाले या 7 बंदे इकट्ठे हुए, तो क्या वो इस गेम को खेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप ना उनको 2 टीम में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ना ही 3 टीम में आप उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर 2 प्लेयर या 2 टीम खेल रही हैं तो एक के पास ब्लू कॉइन्स होंगे, एक के पास ग्रीन कॉइन्स होंगे। उसी तरह से अगर 3 टीम या 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो एक टीम के पास रेड कॉइन चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स गेम खेलना कैसे है, देखिए 2 गड्डियाँ मिलती हैं हमें ताश की। अब इन ताश की गड्डियों में जो जोकर मिलते हैं हमें, सबसे पहले तो हमें उन्हें निकाल देना है क्योंकि इस गेम में ये यूज़ नहीं होंगे खेलने के लिए। इसके बाद तो 2 गड्डियाँ हैं, दोनों के ताश हमें मिलाने हैं, दोनों को शफल करना है हमें प्रॉपरली, और जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं उसके हिसाब से हमें बांट देना है। अब फ्रेंड्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 2 जोकर जो हमें होते हैं वो निकालने होते हैं दोनों गड्डियों के, उसके बाद दोनों गड्डियों के 104 पत्ते हमें मिलाने होते हैं, और उसके बाद जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनको बांटने होते हैं। अब वो चीज़ डिपेंड करती है कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे कि 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो दोनों को हम साथ साथ कार्ड बांट देंगे, 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो 6 कार्ड, 4 प्लेयर खेल रहे हैं तो भी 6 कार्ड, 6 प्लेयर खेल रहे हैं तो 5 कार्ड, अब 8 प्लेयर खेल रहे हैं या फिर 9 प्लेयर खेल रहे हैं तो उनको हम 4 कार्ड बांटेंगे, 10 प्लेयर्स आपके हैं तो उनको हम 3 कार्ड बांटेंगे, 12 प्लेयर खेल रहे हैं तो उनको भी हम 3 कार्ड ही बांटेंगे। अब फ्रेंड्स खेलने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है, सपोज अब 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं और 3 टीम बना के खेल रहे हैं तो हर टीम के प्लेयर को अल्टरनेटली बैठना है। जैसे कि पहला प्लेयर ब्लू टीम का हो गया मान लो टीम 1 का, तो एक दूसरा टीम 2 का होगा, तीसरा टीम 3 का होगा, उसके बाद दोबारा से टीम 1 का, फिर 2 का और फिर 3 का, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स गेम शुरू कैसे होगी, देखिए जो डीलर होता है ना उसके जो लेफ्ट साइड में या फिर क्लॉकवाइज बैठा होता है उसकी फर्स्ट टर्न होती है और उसके बाद क्लॉकवाइज गेम चलती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मेन गेम खेलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स सीक्वेंस क्या होता है, देखिए 5 या 5 से ज़्यादा एक साथ जो कॉइन्स अगर कोई रख देते हैं ना तो उसे हम एक सीक्वेंस बोलते हैं। अब वो जो सीक्वेंस है वो इस तरह से हो सकता है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हो सकता है वर्टिकल, और इस तरह से हो सकता है ओब्लिक। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 5 या 5 से ज़्यादा कॉइन्स एक साथ हो तो उसे एक सीक्वेंस बोल देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर कॉर्नर में यहाँ पे आपके कॉइन्स है ना तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो क्या, देखिए कॉर्नर में मैंने आपको बताया था हर कॉर्नर में इस तरह से कॉइन बना हुआ है, तो वो जो कॉइन है ना हर टीम के लिए लागू होगा, जिसके पास ग्रीन चिप्स हैं चाहे ब्लू चिप्स हैं चाहे रेड चिप्स हैं। और इस केस में आपको सिर्फ लगातार 4 कॉइन्स ही रखने हैं कॉर्नर के साथ, तो आपका एक सीक्वेंस कंप्लीट माना जाएगा, और ये हर टीम के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लू रेड और ग्रीन हर तरह के इसने ये एक सीक्वेंस है। तो फ्रेंड जब किसी प्लेयर किसी टीम के 2 सीक्वेंस होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ओवरलैपिंग कॉइन्स हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अब फ्रेंड सपोज इस तरह से इस प्लेयर ने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बनाया, तो इस केस में जो इसके पास पान की दुपकी है ये कॉमन कॉइन है दोनों सीक्वेंस के बीच में, या फिर इस कंडीशन में इसने एक वर्टिकल और एक ओब्लिक सीक्वेंस बनाया हुआ है, तो इस केस में जो पान की तिग्गी है ये एक कॉमन कॉइन है दोनों सीक्वेंस के बीच में। तो फ्रेंड्स मान लो इस प्लेयर के ब्लू प्लेयर के एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में ये 8 कॉइन लगातार पड़े हैं, तो क्या वो ऐसा कह सकता है कि ये कि 2 कॉइन मेरे कॉमन हो गए और ये मेरे 2 सीक्वेंस मान लिए जाएं, एक तरह से यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ से। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉमन सिर्फ 1 कॉइन हो सकता है, तो इसके अगर 8 की बजाय टोटल यहाँ पे 9 कॉइन एक साथ रखे होते
तब इस केस में इसके दो सीक्वेंस माने जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जो कॉमन कॉइन हो जाएगा बिल्कुल सेंटर वाला एक कॉमन कॉइन हो जाएगा पानी की डुबकी। तो फ्रेंड्स गेम कौन सा प्लेयर जीतता है, कौन सी टीम जीतती है, देखिए जब दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो जिस प्लेयर ने पहले अपने दो सीक्वेंस कंप्लीट कर लिए वो इस गेम का विनर हो जाएगा। जैसे कि इस केस में देखिए जब ब्लू प्लेयर के हैं दो सीक्वेंस कंप्लीट है, लेकिन जो ये ग्रीन वाला प्लेयर है इसका एक सीक्वेंस तो कंप्लीट है ये वाला, लेकिन ये वाला सीक्वेंस अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस केस में ब्लू प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर तीन प्लेयर या फिर तीन टीम खेल रही हैं तो जिस टीम या जिस प्लेयर ने सिर्फ एक सीक्वेंस भी अपना पहले कंप्लीट कर लिया वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो इस केस में ना ग्रीन का सीक्वेंस कंप्लीट है ना रेड का, लेकिन जो ब्लू प्लेयर है उसका एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया तो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गेम खेलने के लिए क्या करना है, हमने कार्ड को शफल किया और जितने कार्ड बांटने थे उतने प्लेयर्स में बांट दिए। सपोज दो प्लेयर्स खेल रहे हैं तो दोनों में हमने 7-7 कार्ड बांट दिए और एक जो ड्रॉ पाइल बन गया कार्ड्स का वो हमने बोर्ड के साइड में रख देना है। अब अपने टर्न में प्लेयर को करना क्या होता है, देखिए सपोज मान लो ये प्लेयर है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ उसको करना क्या होता है। देखिए इस प्लेयर के जो कार्ड्स हैं, अब इसको क्या करना है, जो जो भी इसके पास कार्ड्स आए हैं ना उसको यहाँ से चलने के लिए कोई ना कोई कोई कार्ड अपना उठाना है, ठीक है, उसको अपना एक अलग से डिस्कार्ड पाइल बनाना है। अब जो कार्ड उसने डिस्कार्ड पाइल में चला उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको जो कॉइन है अपना वो बोर्ड के ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स अब जैसे 7 का पत्ता उसने चला था हुकुम का ब्लू प्लेयर ने, तो ये जो कॉइन है यहाँ पे रख सकता है वो, एक चीज। अब यहाँ पे दो तरह के पत्ते हैं, एक तो यहाँ पे भी है और दूसरा जो 7 है यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी रख सकता है वो प्लेयर। अब ये प्लेयर को खुद डिसाइड करना है कि जहाँ पे उसका सीक्वेंस बनने के ज्यादा चांसेस है कि जिससे रिलेटेड आसपास के पत्ते यहाँ वाले उसमें सीक्वेंस में ज्यादा है या फिर यहाँ के आसपास के टाइप के पत्ते उसके पास ज्यादा है। तो ये यही सबसे मेन चीज होती है, कौन दो तरह के पत्ते होते हैं तो कौन से वाले पे उसको रखना है। और उसके बदले में यहाँ ड्रॉ पाइल से अपने कार्ड उठा लेना है और अपने पास रख लेना है और यहाँ पे उसकी टर्न खत्म हो जाएगी। उसी तरह से नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी, एक प्लेयर की टर्न खत्म होने के बाद इसके पास भी जो जो पत्ते हैं उसी हिसाब से कोई एक पत्ता इसको चलना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉइन है उसे बोर्ड के ऊपर रखना है जाके। तो फ्रेंड उसी तरह से ये ग्रीन वाला प्लेयर भी जब देखे इसने पान का 10 चलना है तो यहाँ वाले प्लेयर पत्ते पर रख सकता है वो अपना कॉइन, देखिए एक ये बना हुआ है यहाँ पर रख सकता है। इसको भी वही उसी तरह से डिसाइड करना है कि जहाँ पे उसका सीक्वेंस आगे बनने के चांस ज़्यादा है वहाँ पे वो रख सकता है। और उसके बाद टर्न खत्म होने के बाद अपना एक ड्रॉ पाइल से पत्ता ले लेना। अब फ्रेंड इसमें एक चीज क्या बात ध्यान रखनी है, जो ये ड्रॉ पाइल से पत्ता ले रहे हैं ना, अब सपोज ये प्लेयर था इसने अपनी टर्न चल के कॉइन रख दिया था लेकिन ये पत्ता लेना यहां से भूल गया और अगले प्लेयर ने अपनी टर्न चल दी और अपना कॉइन बोर्ड पे रख दिया। तो अगले प्लेयर ने अगर अपना कॉइन बोर्ड पे रख दिया तब आपको याद आया कि मैंने यहां से पत्ता उठाना भूल गया था, तो आप यहां से पत्ता नहीं उठा सकते, आपका वो टर्न कैंसिल हो गया बस पत्ता उठाने की। तो फ्रेंड गुलाम का या जैक्स का रोल जानने से पहले हम जान लेते हैं जो 4 तरह के गुलाम हमारे पास होते हैं या 4 तरह के जैक्स होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना, जो चिड़ी का गुलाम होता है और जो ईंट का गुलाम होता है उनका जो फेस देखेंगे तो उन पर हमें उनकी दोनों आंखें दिख रही हैं दोनों सामने, इसलिए इनको हम बोलते हैं 2-eyed जैक्स। वहीं आप अगर पान का और जो हुकुम का गुलाम देखोगे तो उनके फेस पे हमें सिर्फ एक आंख दिख रही है जो साइड में देख रहे हैं वो, इसलिए इनको हम बोलते हैं 1-eyed जैक। तो इनका रोल क्या होता है वो हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 2-eyed जैक्स का रोल बताता हूँ क्या होता है। 2-eyed जैक यानी कि सपोज अब देखिए मेरे यहाँ पे 4 कॉइन लगे हुए हैं, अगर मेरे पास ये वाला कॉइन मैं रख दूँ तो मेरा एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखिए अभी तो मेरे पास एक भी ऐसा जो है पान का चौकी नहीं है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ देखिए, लेकिन मेरे पास क्या है ये चिड़ी का गुलाम है। अब चिड़ी का गुलाम क्या है, ये दो अंकों वाला गुलाम है, चिड़ी का जो गुलाम होता है दो अंकों वाला गुलाम का रोल मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो वाइल्ड कार्ड होता है और आप कॉइन अपना कहीं भी रख सकते हैं। तो इस केस में मैं अपना एक कार्ड डिस्कार्ड पाइल में घेरूंगा और यहाँ पे अपना कॉइन में रख दूंगा और मेरा एक सीक्वेंस ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये होता है 2-eyed जैक्स का रोल। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक आंख वाले गुलाम का रोल बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जब देखिए मेरा यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रहा था लेकिन इस ग्रीन वाले प्लेयर ने क्या किया, अपनी गिट्टी यहाँ पे बीच में रख दी और मेरा सीक्वेंस बनने से रोक दिया। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास क्या है, ये हुक्म का गुलाम है और जो हुक्म का गुलाम है क्या होता है, वो एक आंख वाला गुलाम होता है। एक आंख वाला गुलाम क्या कर सकते हो, आप अपने डिस्कार्ड पाइल में घेर सकते हो
और दूसरे में प्लेयर की कोई भी एक जो क्वाइन है कहीं से भी उठा के रख सकते हो। अब इस केस में मैंने क्या कर लिया, अपना एक रास्ता साफ कर लिया, बट इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ रास्ता साफ किया, अभी यहाँ पे आप में कॉइन रख नहीं सकते। अभी कॉइन रखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो यही चार हो, ये वाला पान का चार हो, नहीं तो फिर क्या हो, टू आई जैक हो, तभी यहाँ पे आप अपना कॉइन रख सकते हो, और वो भी इस टर्न में नहीं, नेक्स्ट टर्न में आप रखोगे। एक टर्न में आप अपनी एक टर्न चल चुके हो, एक आंख वाला गुलाम चल के। तो फ्रेंड इस प्लेयर की टर्न है मान लो, उसका भी ये वाला पत्ता चलना है, और आप यहाँ बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे पान का ये वाला 10 के ऊपर भी एक कॉइन है, और पान की इस वाले 10 के ऊपर भी एक कॉइन है। तो फ्रेंड हमने जैसे बोर्ड पे देखा तो दोनों जगह इस पे पान के 10 के ऊपर कॉइन है, तो इस तरह से ये जो कार्ड है इसका प्लेयर का डेड कार्ड हो गया। तो जब भी कोई डेड कार्ड होता है ना, प्लेयर अपने टर्न में एक डेड कार्ड को ड्रॉ पाइल से एक्सचेंज कर सकता है। कैसे, तो ये अपने डेड कार्ड को यहाँ अपने डिस्कार्ड पाइल में चलेगा, ड्रॉ पाइल से इसके बदले में एक पत्ता उठाएगा। अब अपनी टर्न नॉर्मली वो चलेगा, मान लो कोई और पत्ता उसको चलना है तो वो पत्ता मान लो वो चल देता है, उसके बदले का कॉइन वही बोर्ड पे रखेगा और डिस्कार्ड पाइल से उसके बदले में एक ये उठा लेगा, तब जाके एक प्लेयर की टर्न खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो आप अपने दूसरे प्लेयर को हिंट नहीं दे सकते कि आपको कॉइन कहाँ पे रखना है या कहाँ पे नहीं रखना है। और फ्रेंड जो टीम टेबल टॉप करती है उन्हें पेनल्टी लगती है, क्या उस टीम के हर मेंबर को अपना एक पत्ता डिस्कार्ड करना होता है डिस्कार्ड पाइल में, लेकिन अपनी मर्जी से। अगर फ्रेंड्स कभी गेम के दौरान अगर अपना ड्रॉ पाइल ख़त्म हो जाता है तो उस केस में क्या करना होता है, जितने भी सारे डिस्कार्ड पाइल है ना उन्हें इकट्ठा करना होता है, उन कार्ड्स को शफल करना होता है और एक नया ड्रॉ पाइल बना देना होता है।